हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट स्टडी 2.0 यूट्यूब चैनल। साथियों, आज शास्त्रीय नृत्यों के कलाकार और संगीत घराने से संबंधित महत्वपूर्ण 51 प्रश्न को देखेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथियों, आपके सभी एग्जाम्स के लिए ये क्लास महत्वपूर्ण होने वाला है, चाहे वो SSC का कोई भी एग्जाम हो, रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, कोई भी स्टेट लेवल की एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो। आर्ट एवं कल्चर से ये जो टॉपिक है आपका, शास्त्र नृत्य कलाकार और संगीत घराने, इससे आपको हर एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो आज मैंने ये जो 51 क्वेश्चंस लिए हैं, ये काफ़ी सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट है, जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो चलिए बिना देरी किए हुए क्लास को शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस। देखिए, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का गायक एवं गायिका है। तो देखिए, इनमें से कौन एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का गायक या गायिका है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गंगूबाई हंगल। देखिए, गंगूबाई हंगल के बारे में अगर बात करें तो साथियों, इनका संबंध है ख्याल शैली से, है ना। ख्याल शैली के गीतों में उनके प्रदर्शन के लिए इनको जाना जाता है, गंगूबाई हंगल को। और इनके घराने की अगर बात करें तो देखिए, गंगूबाई हंगल जो है साथियों, ये किराना घराने से संबंधित है, आपको याद रखना है। किराना घराने से, अगर आपसे पूछे कि गंगूबाई हंगल का संबंध किस घराने से है, तो याद रखना किराना घराने से। देखिए, इन्होंने लिंग और जातीय बाधाओं को पार कर भूख से लगातार लड़ाई करते हुए भी उच्च स्तर पर संगीत दिया था। और साथियों, आपको बता दें कि इन्होंने अपने मतलब कि अपने लाइफ का आधा जो है ना, आधी जिंदगी जो है, केवल संगीत में ही त्याग दिया था, गंगूबाई हंगल, आपको याद रखना है। चलिए, आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी आपको बताना है कि ये देखिए, इधर आपको शास्त्रीय नृत्य दिए हुए हैं और इधर शास्त्रीय नृत्य से संबंधित कलाकार, तो कौन सा एक जोड़ा आपको बताना है कि गलत है। तो देखिए, भरतनाट्यम से संबंधित है रुक्मणी देवी अरुंडेल, ठीक है, रुक्मणी देवी अरुंडेल जो है, यहाँ पर अरुंडेल आपका होना चाहिए था, अरुंडेल, ठीक है। तो रुक्मणी देवी अरुंडेल जो है, उनका संबंध भरतनाट्यम से है, ये बिल्कुल सही है। और झावेरी बहने जो है, इनका संबंध मणिपुरी नृत्य से है, ये भी सही है। और देखिए, ओडिसी से संबंधित है सोनल मानसिंह, ये भी सही है। लेकिन कुचिपुड़ी से संबंधित सितारा देवी नहीं है, ये गलत है। सितारा देवी का संबंध है साथियों कथक से, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना, ये जोड़ा गलत है, तो यही आपका आंसर हो जाता। चलिए, ये भी आप जान लीजिए कि भरतनाट्यम जो है, ये तमिलनाडु राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। मणिपुरी, ये मणिपुर राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। और ओडिसी जो है, ये ओडिशा राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। एक चीज़ याद रखना कि सोनल मानसिंह जो है, ये ओडिसी और भरतनाट्यम दोनों ही शास्त्रीय नृत्य की नृत्यांगना है, ठीक है। चलिए, आज का अगला क्वेश्चन है, किस घराने को ख्याल गायकी का जन्मदाता माना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो साथियों देखिए, ख्याल घराने को मतलब कि किस घराने को ख्याल गायकी का जन्मदाता माना जाता है, तो याद रखना ग्वालियर घराने को। यहाँ आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ग्वालियर घराना। आगे देखिए, बिरजू महाराज किस क्षेत्र के सुविख्यात कलाकार हैं। तो ध्यान से देखिएगा, बिरजू महाराज किस क्षेत्र के सुविख्यात कलाकार हैं, तो राइट आंसर होगा साथियों कथक नृत्य का। कथक जो कि उत्तर भारत का नृत्य है, याद रखिएगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कथक नृत्य का। अगला क्वेश्चन है, रुक्मणी देवी अरुंडेल कला की किस विद्या से संबंधित है। अभी मैंने आपको बताया कि रुक्मणी देवी अरुंडेल, जिनका संबंध है साथियों भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य से, और आपको यहाँ बताना है कि रुक्मणी देवी अरुंडेल कला की किस विद्या से संबंधित है, तो ये शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शास्त्रीय नृत्य से। आगे अगला क्वेश्चन है, त्यागराज का नाम संबंधित है किससे। तो देखिए, त्यागराज का नाम ये किससे संबंधित है, तो याद रखिए कर्नाटक संगीत से। यहाँ आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक संगीत से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, तानसेन, स्वामी हरिदास तथा बेजू बावड़ा हिंदुस्तानी संगीत शैली के किस रूप से संबंध थे, जिनका प्रभाव संपूर्ण उत्तर भारत में था। तो देखिएगा, तानसेन, स्वामी हरिदास तथा बेजू बावड़ा, इन तीनों का संबंध जो है साथियों, वो ध्रुपद गायक शैली के ध्रुपद गायकी शैली से था। तो यहाँ आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ध्रुपद संगीत शैली, ठीक है, या गायकी शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भरतनाट्यम की विख्यात नृत्यांगना नहीं है। चलिए देखते हैं। तो देखिए, रुक्मणी देवी अरुंडेल, ये तो साथियों भरतनाट्यम की नृत्यांगना है,
टी बाला सरस्वती भी भरतनाट्यम की नृत्यांगना है और यामिनी कृष्णमूर्ति ये भी भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य की नृत्यांगना है। लेकिन झावेरी बहने जो हैं, झावेरी बहने ये मणिपुरी नृत्य की, याद रखना मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य की कलाकार हैं या नृत्यांगना है। तो यहाँ आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, झावेरी बहने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए उमाकांत और रमाकांत गुंडेचा बंधु क्या है? तो देखिए उमाकांत और रमाकांत गुंडेचा बंधु जो हैं ये क्या हैं? तो याद रखिएगा इनका भी संबंध है साथियों ध्रुपद गायक की शैली से। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर ए, ध्रुपद गायक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथकली नृत्य रूप किस राज्य से संबंधित है? तो देखिए कथकली जो कि एक शास्त्रीय नृत्य है और किस राज्य का है? तो साथियों याद रखिए केरल का, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिएगा, पंडित भीमसेन जोशी के क्रियाकलाप का क्षेत्र क्या रहा? तो देखिए पंडित भीमसेन जोशी की अगर यहाँ हम बात करते हैं तो पंडित भीमसेन जोशी का संबंध किससे है? तो देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको यहाँ पर आंसर करना है किससे? बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी, शास्त्रीय संगीत से, है ना। देखिए पंडित भीमसेन जोशी का संबंध किससे है? तो याद रखिएगा साथियों शास्त्रीय संगीत से है, ठीक है। तो यहाँ इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सुविख्यात ठुमरी गायिका जो है गिरिजा देवी, इनका संबंध किससे है, किस घराने से है पूछा है? तो देखिए सुविख्यात ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध किस घराने से है? तो जरूर आपको याद रखना है साथियों बनारस घराने से, करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए बनारस घराने से। नेक्स्ट है, लोक नृत्य बैसाख बिहू प्रचलित है कहाँ? तो देखिए बैसाख बिहू जो है ये असम में ही प्रचलित है। याद रखना असम में कुल तीन प्रकार का बिहू मनाया जाता है। बिहू का बात आए तो आपको असम ही आंसर करना है। आज का अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप यूनेस्को की अमूर्त विरासतों में सम्मिलित है? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। देखिए कलबिलिया और छव ये दोनों नृत्य जो है यूनेस्को की अमूर्त विरासतों में सम्मिलित है, याद रखना। यहाँ पर बात करें कलबिलिया की तो साथियों ये राजस्थान के सपेरा जनजातियों के द्वारा किया जाने वाला एक नृत्य है। छव नृत्य की बात करें तो पश्चिम बंगाल का नृत्य है और साथियों छव जो है ना ये भारत का नौवां शास्त्रीय नृत्य भी है, याद रखना। देखिए भारत में कुल आठ ही शास्त्रीय नृत्य हैं लेकिन छव को अभी तक पूरी तरह से मान्यता नहीं दिया गया है, लेकिन दिया जाएगा, याद रखना। अगर आपसे पूछे कि नौवां शास्त्रीय नृत्य भारत का कौन सा है तो छव आएगा। हालांकि वर्तमान में शास्त्रीय नृत्यों की संख्या आठ ही है, याद रखना। आगे देखिएगा, इनमें से कौन सा लोकगीत दिए गए राज्य से मेल नहीं खा रहा है? यानी इधर आपको लोकगीत दिया हुआ है और इधर संबंधित राज्य, तो कौन सा एक जोड़ा गलत है ये चुनना है। तो देखिए ऑप्शन यहाँ पर साथियों नीचे से देखते हैं तो सोहर ये जो है एक लोकगीत है और ये बिहार राज्य का है, ये बिल्कुल सही है। पनिहरी की बात करें तो पनिहरी राजस्थान का एक लोकगीत है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। इसके अलावा बाउल की बात करें तो देखिए बाउल जो है ये पश्चिम बंगाल का आपका लोक नृत्य है, लोकगीत है, ये भी सही है। देखो अल्लाह की बात करें तो अल्लाह जो है ये महाराष्ट्र का नहीं, ये उत्तर प्रदेश का है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए जोड़ा गलत है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, याद रखना। और एक चीज अगर आपसे साथियों यहाँ पर ये पूछे कि इसको सिंगल भी आपसे पूछ सकता है कि पनिहारी लोक गीत जो है या लोक नृत्य किस राज्य का है, तो राजस्थान आपको यहाँ आंसर करना है। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, गुरु केलुचरण महापात्र किस नृत्य शैली में निपुण थे? तो देखिए गुरु केलुचरण महापात्र की बात करें तो ये किस नृत्य से संबंधित है? तो साथियों ओडिसी से, यहाँ राइट होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? तो देखिए इनमें से सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है, इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए कि इनमें से सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है। सितार है, सरोद है, तबला है या बीना है? आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ध्रुपद गायन क्षेत्र में दक्षता प्राप्त बालकृष्ण बुआ, देखिए बालकृष्ण बुआ का संबंध निम्नलिखित में से किस घराने से है? तो भाई देखिएगा बालकृष्ण बुआ का संबंध किस घराने से है, तो याद रखिए ग्वालियर घराने से, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, यानी इनमें से कौन सा जोड़ा है जो कि गलत है? तो देखिएगा साथियों अल्लाह रखा का संबंध तबला से है, पंडित रविशंकर का संबंध सितार से है, यह भी सही है, शिव कुमार शर्मा का संबंध संतूर से है, ये सारा सही है, लेकिन एम एस सुबलक्ष्मी इनका संबंध जो है ये बीना से नहीं है बल्कि एम एस सुबलक्ष्मी का संबंध कर्नाटक संगीत से है, ठीक है। तो ये जोड़ा गलत है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, एन राजम ने किस क्षेत्र में ख्याति प्राप्त की थी? तो एन राजम की बात करें साथियों तो इन्होंने किस क्षेत्र में ख्याति प्राप्त की थी,
तो वायलिन वादक, प्रसिद्ध वायलिन वादक थे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राग कामेश्वरी की रचना किसने की थी? तो देखिए, राग कामेश्वरी की रचना किसने की थी? तो पंडित रविशंकर जी ने। राइट होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश की गोंड जनजाति का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? देखिए, आंध्र प्रदेश की जो गोंड जनजाति है उनका प्रसिद्ध एक लोक नृत्य इनमें से कौन सा है? तो याद रखिए गुसादी, ऑप्शन नंबर एक गुसादी करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन बांसुरी के प्रसिद्ध वादक के रूप में जाने जाते हैं? तो देखिए, इनमें से कौन सा एक बांसुरी के लिए प्रसिद्ध वादक के रूप में जाने जाते हैं? तो याद रखिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, रोनू मजुमदार। रोनू मजुमदार का संबंध बांसुरी से है। आज का अगला क्वेश्चन है, देखिए, प्रख्यात गायक पीर बखा का संबंध किससे है? तो भाई देखिए, पीर बखा का संबंध किस घराने से है? तो याद रखिए इनका भी संबंध है ग्वालियर घराने से, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन सिक्कों पर बिना बजाते हुए दिखलाया गया हिंदू राजा कौन था? तो प्राचीन सिक्कों पर बिना बजाते हुए दिखलाया गया हिंदू राजा कौन था? तो देखिए राइट आंसर होगा समुद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झाल, बिनाई, दमामा और मुरयो ये क्या है? तो भाई झाल, बिनाई, दमाया और मुरयो ये क्या है? तो याद रखिए कुमायूं क्षेत्र के वाद्य यंत्र हैं ये, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, कुमायूं क्षेत्र के वाद्य यंत्र। अगला क्वेश्चन है, देखिएगा क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, एडवांस टाइप में है, कि नीचे दी गई लोक नृत्य और राज्य की सूची में किसका मिलान सही नहीं है ये बताना है। तो देखिएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए ही तो गलत है यार, बिहू जो है आंध्र प्रदेश का ही नहीं है, बिहू तो असम का है ना, बिहू असम का है, यही आपका आंसर होगा। बाकी देखिए ये तीनों सही हैं, भांगड़ा पंजाब का है, डांडिया गुजरात का है, नौटंकी उत्तर प्रदेश का है, ये तीनों सही हैं, लेकिन बिहू जो है आंध्र प्रदेश का नहीं असम का है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चलिए आगे देखिए, संगीत यंत्र सितार ये मिश्रण है किसका? तो संगीत यंत्र जो है सितार ये किसका मिश्रण है? तो देखिए बीना और तंबूरे का, याद रखना बीना एवं तंबूरे का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि केंद्रीय असेंबली में इकबाल का जो गीत है हिंदुस्तान हमारा तथा जनगणमन किसने गाया था? तो याद रखिएगा 14-15 अगस्त की यानी 14 अगस्त की रात को, ठीक है, 14-15 अगस्त की रात को 1947 की मध्य रात्रि में केंद्रीय असेंबली में इकबाल का जो गीत है हिंदुस्तान हमारा तथा जनगणमन ये किसने गाया था? तो याद रखिएगा राइट आंसर होगा, देखिए M.S. सुब्बलक्ष्मी जी ने, राइट आएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुसीरवाद है? तो याद रखिएगा कौन सा एक सुसीरवाद यंत्र है? तो याद रखिए बांसुरी, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, कुचिपुड़ी किस राज्य का नृत्य है? तो ध्यान से देखिए, कुचिपुड़ी जो है ये साथियों आंध्र प्रदेश राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? देखिए बिरजू महाराज का संबंध कथक नृत्य से है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए बिस्मिल्ला खां का संबंध सहनाई से है, ये भी सही है। अमजद अली खान का संबंध सरोद से है, ये भी आपका जो है बिल्कुल सही बताया गया है। लेकिन जाकिर हुसैन का संबंध हारमोनियम से नहीं, बल्कि जाकिर हुसैन का संबंध तो तबला वादन से है ना, तबला से है। तो यहाँ पर ये जोड़ा गलत है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ जो है ना साथियों, देखिए यहाँ पर बी होना चाहिए था ऑप्शन, यहाँ सी, यहाँ डी, तो ये ऑप्शन आपका गलत है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, सदीर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है? तो याद रखिए सदीर जो है ये किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है? तो भरतनाट्यम का ही, याद रखिए भरतनाट्यम भारत का सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है और भरतनाट्यम का ही ये प्राचीन नाम है सदीर, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित रसों में से कौन सा नव रसों में सम्मिलित नहीं है? तो देखिए शास्त्रीय नृत्य के जो नौ रस हैं यानी नौ प्रकार के रस हैं, उसमें इनमें से कौन सा एक शामिल नहीं है? तो याद रखिए, देखिए विभत्स तो है ही, अद्भुत भी है, रौद्र भी है, लावण्य नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही सुमेलित है, यानी आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एक जोड़ा सही रूप से सुमेलित किया गया है। तो जाकिर हुसैन का संबंध तबला से है, यहाँ सितार लिखा हुआ है, गलत है। पंडित रविशंकर का संबंध सितार से है, पखवाज लिखा हुआ है, यह भी गलत है। हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध आपका बांसुरी से है, ठीक है, यहाँ मोहन बीना लिखा हुआ है, यह भी गलत है। अमजद अली खान का संबंध जो है ये सरोद से है, ये बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। अगला, बड़े गुलाम अली किस घराना से संबंधित थे? तो देखिए बड़े गुलाम अली किस घराना से संबंधित थे? तो याद रखिए पटियाला घराने से, यहाँ आपका राइट होगा ऑप्शन नंबर डी, पटियाला घराना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित नृत्यों में से कौन एकल नृत्य नहीं है? यानी इनमें से कौन सा एक शास्त्रीय नृत्य है जो कि स्वयं मतलब अकेला नहीं किया जा सकता? तो देखिए यहाँ आपका करेक्ट आंसर होगा ओडिसी।
ओडिसी करेक्ट होगा। बाकी भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम ये तीनों एकल नृत्य हैं, लेकिन ओडिसी जो है अकेला नहीं किया जा सकता। आज का अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध वायलिन वादक हैं? तो देखिए, इनमें से कौन एक प्रसिद्ध वायलिन वादक हैं? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, प्रोफेसर टी एन कृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहिनीअट्टम नृत्य रूप का विकास निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ? तो मोहिनीअट्टम ये साथियों केरल राज्य का लोक शास्त्रीय नृत्य है, तो यहाँ करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर सी केरल। निम्नलिखित में से कौन सुप्रसिद्ध तबला वादक हैं? तो इनमें से कौन एक सुप्रसिद्ध तबला वादक है? देखिए राइट होगा ऑप्शन नंबर ए जाकिर हुसैन। अगला क्वेश्चन है, सही सुमेलित है, इनमें से कौन सा एक सही रूप से सुमेलित किया गया है? तो देखिए, हरिप्रसाद चौरसिया, इनका संबंध बांसुरी से है, ये बिल्कुल सही है साथियों, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी देखिए, बिस्मिल्ला खां का संबंध सरोद से नहीं सहनाई से होता। ठीक है, अमजद अली खान का संबंध जो है तबला से नहीं सरोद से होता, और जाकिर हुसैन का संबंध आपका तबला से होता। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ना केवल ऑप्शन नंबर ए सही है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ध्रुपद गायकी के लिए प्रसिद्ध घराना कौन सा है? तो देखिए, ध्रुपद गायकी के लिए प्रसिद्ध घराना है आपका ग्वालियर घराना, याद रखिएगा, राइट है ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न नृत्य शैलियों में से किसका उद्गम पूर्वी भारत से है? यानी इनमें से कौन सा एक नृत्य है जो कि पूर्वी भारत से उसका उद्गम हुआ है? तो देखिएगा, यहाँ आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मणिपुरी नृत्य, इसका संबंध उत्तर पूर्वी भारत से है ना, तो करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, अमीर खुसरो का नाम किस वाद्य यंत्र के आविष्कार से संबंधित है? तो यहाँ पर जो है ना साथियों, अमीर खुसरो ने सितार और तबला दोनों का ही आविष्कार किया है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए और बी, बोथ आर करेक्ट आंसर, दोनों ही सही है। ठीक है, तो यहाँ पर बाय मिस्टेक तबला भी ऐड हो गया है, जबकि अमीर खुसरो ने सितार और तबला दोनों का ही आविष्कार किया था, तो याद रखना। आगे देखिए, मुखोटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है? अब देखिए, मुखोटा नृत्य का संबंध जो है ये कथकली नृत्य शैली से है, राइट होगा ऑप्शन नंबर ए कथकली से। आज का अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के लोक नृत्य एवं उसके प्रचलन क्षेत्र से संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म एक सही नहीं है? तो देखिएगा साथियों, यहाँ पर गिदड़ नृत्य जो है ये राजस्थान के किस क्षेत्र का है? तो राजस्थान के शेखावटी क्षेत्र का नृत्य है, ये बिल्कुल सही है। ढोल लोक नृत्य जो है ये राजस्थान का ही है, लेकिन राजस्थान के जालौर का है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, डांडिया नृत्य जो है ये राजस्थान के मारवाड़ क्षेत्र का लोक नृत्य है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए, बरमसिया नृत्य जो है साथियों ये बीकानेर का नहीं है, ये जोड़ा गलत है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर डांडिया नृत्य देखकर आप ये मत बोलना कि सर ये तो गुजरात राज्य का है, हाँ बिल्कुल गुजरात का है, लेकिन राजस्थान में भी मारवाड़ क्षेत्र जो है वहाँ पर डांडिया नृत्य किया जाता है, याद रखना। आज का अगला क्वेश्चन है, केरल में सर्वाधिक प्रचलित शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? अभी देखिएगा, केरल में दो शास्त्रीय नृत्य हैं, एक आपका मोहिनीअट्टम और एक कथकली, लेकिन इन दोनों में सबसे प्रचलित है कथकली, तो राइट होगा ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा नौ रसों या भावनात्मक प्रतिक्रियाओं में सम्मिलित नहीं है? तो देखिएगा, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये साथियों। देखिए, हास्य वीर रौद्र ये रस तो होते हैं, लेकिन आनंद जो है ये रस नहीं होता है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी आनंद। अगला क्वेश्चन है, भारत में शास्त्रीय नृत्यों के कितने प्रकार पाए जाते हैं? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आठ, और नौवां अगर पूछे तो याद रखना छौ, लेकिन ये जो है अभी अर्धशास्त्रीय नृत्य है साथियों, छौ जो शास्त्रीय नृत्य है ये आपका अर्धशास्त्रीय नृत्य है, याद रखना, मूल रूप से आठ ही शास्त्रीय नृत्य हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक उत्तर भारतीय नृत्य है? तो देखिएगा, निम्न में से कौन सा एक उत्तर भारत का नृत्य है? तो करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए कथक। ठीक है, याद रखिएगा कथक करेक्ट है। आगे एक क्वेश्चन और है, देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? तो देखिए, भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य है जो कि तमिलनाडु का है, लेकिन यह आंध्र प्रदेश है तो यानी गलत है। कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश का है, यहाँ मध्य प्रदेश लिखा हुआ है, गलत है। कथकली केरल का है, ये सही है, बाकी कथक तमिलनाडु का नहीं, उत्तर भारत का है, नॉर्थ इंडिया, यहाँ उत्तर प्रदेश लिखा रहता तो ये सही हो जाता। ठीक है, तो केवल ऑप्शन नंबर सी सही सुमेलित है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा साथियों। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे ये, जो कि आपके एग्जाम एसएससी जीडी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। एसएससी का कोई भी एग्जाम हो सभी के लिए महत्वपूर्ण होंगे, इसके अलावा आपका रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, बिहार पुलिस, यूपी पुलिस, एमपी पुलिस, एमपी पटवारी, पीसीएस, यूपीएससी, सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण होंगे ये क्वेश्चंस आपके। तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को शेयर करना, अपने देखिए वीडियो को जो है ना अपने सभी दोस्तों तक शेयर करना साथियों, और कमेंट बॉक्स में बताना आपको आज का क्लास कैसा लगा है। प्लीज़ सभी लोग लाइक और शेयर जरूर करना। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।